देख रहे हैं यूपी क्राइम न्यूज, अपराध के खिलाफ जंग। उत्तर प्रदेश में जहां एक ओर लोकसभा के संसदीय चुनावों को लेकर उठापटक चल रही है, तो वहीं बबुआ और बुआ के गठबंधन को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं। तो वहीं सपा के घर में ही तैयार हुई प्रगतिशील समाजवादी पार्टी अपने अपने जिला अध्यक्षों को मजबूती से लोकसभा की तैयारियों के लिए प्रेरित कर रही है। इसी कड़ी में आज महानगर शाहजहांपुर में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के कार्यालय का उद्घाटन शाहजहांपुर के चार खंभा के निकट किया गया। महानगर शाहजहांपुर स्थित चार खंभे के निकट प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के जिला कार्यालय में शुभारंभ प्रदेश सचिव रजनी अग्रवाल ने फीता काटकर उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि केंद्र में उनकी पार्टी के सहयोग से सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि लोकसभा में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने और अधिक से अधिक सीटें जीतकर आगामी 2022 में उत्तर प्रदेश में समाजवादी प्रगतिशील की सरकार बनाने का दावा किया है। साथ ही रविवार को पार्टी कार्यालय के उद्घाटन के बाद प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष अग्निवेश समाजवादी ने कहा कि उनकी पार्टी सभी वर्गों की पार्टी बन चुकी है और पार्टी तेजी से मजबूत हो रही है। 2019 में होने वाले लोकसभा चुनाव में केंद्र में जिस भी पार्टी की सरकार बनेगी उसमें प्रगतिशील समाजवादी की अहम योगदान होगा, क्योंकि अगले लोकसभा चुनाव में बगैर समाजवादी प्रगतिशील के केंद्र में कोई सरकार नहीं बना पाएगी, यह हमारा वादा है। वहीं वर्ष 2022 में उत्तर प्रदेश में भी हमारी सरकार बनेगी, जहां हमारी सरकार में हर आम आदमी को न्याय और सम्मान के साथ वादों पर खरे उतरेगी और भेदभाव रहित शासन चलाएगी। साथ ही पार्टी की महिला सभा की जिला अध्यक्ष ऋचा सक्सेना ने कहा कि महिलाओं का अपमान किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साथ ही हर वर्ग की महिलाओं को उनका हक दिलाने के लिए हमारी पार्टी हर प्रयास संभव करेगी। लोहिया का मैंने महिला कार्यालय का उद्घाटन मुख्य अतिथि अपनी रजनी पूर्व चेयरमैन रजनी अग्रवाल जी से करवाया और मैं चाहती हूँ इस कार्यालय में के माध्यम से महिलाएं हमारी पार्टी से ज़्यादा संख्या में जुड़ेंगी। उनको पता लगेगी कहीं पे कोई जिला अध्यक्ष महिला सभा प्रगतिशील समाजवादी की है, एक स्थान होगा तो वो पार्टिकुलर हमको मिल सकती हैं किसी टाइम भी और अपनी समस्याएं कह सकती हैं। हम उनकी समस्याओं का निदान करेंगे अपने पूरी टीम के साथ और जब हम लोग उनकी समस्याओं को सुन के उनका निदान करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शायद महिलाएं हमसे जुड़ेंगी और हमारी पार्टी को मजबूती प्रदान होगी। और इस मौके पर महिलाओं के साथ पत्रकार बंधुओं को भी सम्मान दिया गया। आप देख रहे हैं यूपी क्राइम न्यूज, अपराध के खिलाफ जंग।